नमस्कार प्रिय दर्शकों, इस आध्यात्मिक यात्रा पर आपका स्वागत है। आज हमारी यात्रा का स्थान है भद्रतुंगा, जिला बागेश्वर के कपकोट तहसील के सूपी गांव से 2 किलोमीटर की दूरी पर सरयू नदी के किनारे बसा भद्रतुंगा एक सुंदर, रमणीय और पवित्र धार्मिक स्थल है। यह चारों ओर से घने हरे भरे पेड़ों से आच्छादित है। भद्रतुंगा में शिवालय, सरयू मैया और हनुमान मंदिर भी हैं। बैशाखी पूर्णिमा पर स्थानीय मेला लगता है। ग्रामीण लोग अन्य पर्वों पर भी पूजा करने के लिए उमड़ते हैं। इस स्थान पर पिंडदान और तर्पण का भी अत्यंत महत्व है। संत श्री स्वामी रामानंद जी का आश्रम यही है। इस आश्रम में अनेक पवित्र तिथियों में धार्मिक अनुष्ठान आयोजित किए जाते रहते हैं। यहाँ स्थापित भगवान का विग्रह विस्मयकारी और आकर्षक है, जो चित्त को सहसा ही आकर्षित करता है। सरयू नदी को पतित पावनी कहते हैं। सरयू नदी झूनी गांव के पास पहाड़ी पर सरमूल से निकलती है, जहां से वह कई धाराओं में विभाजित होती है। सहस्त्रधारा इस धारा का नाम है। भद्रतुंगा से सहस्त्रधारा की ओर 2 मार्ग हैं। एक सरयू नदी के किनारे से गुजरता है, जबकि दूसरा झूनी गांव से गुजरता है। झूनी गांव स्थित सरयू नदी का उद्गम स्थल सरमूल और सहस्त्रधारा मनोरम और पावन स्थल है। तहसील के कई गांवों के लिए यह स्थान सदियों से धार्मिक स्थान रहा है। सहस्त्रधारा में भगवान शिव, मां सरयू और बाबा गोरखनाथ का मंदिर है। नदी सहस्त्रधारा से निकलकर कपकोट में खीरगंगा और बागेश्वर में गोमती नदी से मिलती है। नदी आगे कई नदियों से मिलकर अयोध्या पहुंचती है। बीच में नदी के नाम बदलते रहते हैं, लेकिन जब यह अयोध्या पहुंचती है तो फिर अपना मूल नाम लेती है। सरयू की महिमा भी कई धर्म ग्रंथों में बताई गई है। आइए जानते इस धार्मिक स्थल के बारे में। ये जो सामने सरयू मैया दिख रही है, ये तो सदियों से प्राचीन से ही इसका अपना महत्व है। लेकिन 10 जुलाई 2017 से अपने श्रीमान दयाल कमरटा जी इंटर कॉलेज नास्ती में और संत देवानंद दास जी और मैंने जो है 10 जुलाई 2017 7 दिवसीय यात्रा सरमूल से बागेश्वर, बागेश्वर से 7 दिन तक यात्रा निकाली और खूब जन जागरण के साथ साथ सरकार के जो पर्यटन विभाग है हमारा, उनको भी यह अवगत कराया कि भाई जो सरयू मैया है, इसका सरमूल क्षेत्र से लेकर के इसको पूरे देश में विदेशों में इसका प्रचार प्रसार, छोटी छोटी चीज़ें उनको हमने गोल्ड बनवाना और सरमूल के बारे में अधिकारियों को जानकारी देना। तो आज इसलिए जो सरकार थी, अब त्रिवेंद्र सिंह रावत जी माननीय मुख्यमंत्री जी थे, जो आपको एक घाट दिख रहा है, माननीय बलवंत सिंह भौरियाल जी उस समय विधायक थे, तो उन्होंने कम से कम 1.5-2 करोड़ लगभग जो है ये यहाँ के विकास के लिए जो है एक शुरुआत की है। और पिछले 6 महीने पहले ही एक हमने छोटा सा अर्धकुंभ नाम से यहाँ पर और कुंभ लगाया, जिसमें 25,000 लोग यहाँ पर आए। और अभी बस ये जो 4-5 दिन ही हो रहे हैं, यहाँ से 4,000 लीटर जल लेकर के, टैंकर लेकर के मैं स्वयं अयोध्या में गया और वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है इसकी पहचान बन रही है। धीरे धीरे हमारे जनप्रतिनिधियों का ध्यान और माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान,
माननीय कोश्यारी जी का जो है आशीर्वाद हमको इस सरमूल पर मिलता है कि इसका विकास जो है कैसे हो, और जैसे केदारनाथ बद्रीनाथ जो हमारे चार धाम है उसकी तर्ज पर सरमूल को भी जो है आगे कैसे पहुंचाया जाए, इसका लक्ष्य हमारा जारी है। और इसलिए जैसे सरयू नदी पूर्व काल में अनेक महापुरुषों की तपोस्थली थी, इसे मुनि वशिष्ठ की तपोस्थली कहा जाता है। 20वीं शताब्दी के 70 के दशक में नानतिन बाबा ने 4 महीने तक तपस्या की। रामस्वरूपानंद और महात्मा आलोकानंद ने 6-6 महीने की तपस्या की। भद्रतुंगा और सहस्त्रधारा कैसे पहुंचे? सहस्त्रधारा की दूरी जिला बागेश्वर से करीब 60 किलोमीटर है। जिला मुख्यालय से सूपी तक करीब 46 किमी की दूरी वाहन से तय की जाती है। इसके आगे भद्रतुंगा और सहस्त्रधारा की यात्रा पैदल तय करनी पड़ती है। सूपी से झूनी के रास्ते करीब 14 किमी की पैदल दूरी तय करने के बाद सहस्त्रधारा तक पहुंचा जा सकता है। एक पैदल रास्ता नदी किनारे भी है, जहां से आने जाने में 12 किमी दूरी तय करनी पड़ती है।